इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी के लहसुन मंडी में मौजूद है। लगातार नीमच मंडी में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लहसुन की बम्पर आवक हो रही है और इसी के चलते दिन ब दिन जो उपज के दाम है लहसुन के दाम गिरते जा रहे हैं। देसी की बात करें तो एक आज जो अच्छी लहसुन है देसी ये 10,100 रुपये गई है और ये 2200 रही हुई क्या ये 10,100 गई है और किसान है कहाँ से आए भैया? लिम्बास। कहाँ पर आता है? बन्नेगर तहसील। तो कितनी लाए थे आप? ये 18 बोरी। 18 बोरी क्या भाव रहा है? ये 10,100। 10,100 रही। अच्छा ये बताइए कि अभी और कितनी उपज आपके घर पर है? अभी तो ये 4-5 बीघे। तो जो दाम मिले आप उससे संतुष्ट है क्या? संतुष्ट है। संतुष्ट है ना? हाँ। लहसुन के आप देख रहे हो पिछले दिनों में कई थोड़ी गिरावट गिरते जा रहे हैं। गिरते जा रहे। तो अच्छा इसको रोक सकते थे आप? हाँ रोक सकता था। तो क्यों नहीं रोका फिर? तो भाव चल रहा है तो बेच दिया, अभी गीला माल है। नहीं, कुछ किसान ये सोचते हैं ना कि हमको अभी रोक लेना था या हमको पैसा देना है, ऐसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अरे अभी 10,000 बिक्री की कम तो अभी ये 15,000 में पड़ रही है। आप भी साथ में आओ। ये आपकी क्या भाव गई? 7.5। अच्छा छर्री है क्या? नहीं मिक्स माल है। कुल मिला के जो भाव है किसान फिर भी संतुष्ट है कि जो दाम मिल रहा है अभी बेहतर है। और भी किसानों से हम चल के बात करेंगे। कहाँ से आए हो आप? लसूड़िया से। लसूड़िया कहाँ आता है? धार के पास। अच्छा क्या लेके आए हैं? लहसुन। लहसुन कितनी लाए हैं? 50-60 गट्टे। तो उसमें सब मिक्स है, कौन सी वेरायटी है, क्या है? 2-3 वेरायटी लेके आए भैया हम। अभी आप देख रहे हो बम्पर आवक मंडी में सब जगह हो रही है, नीमच के अलावा भी हो रही है। हाँ हाँ। तो जो दाम मिल रहे हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है? दाम क्या हुआ यार, अच्छा दाम मिलना चाहिए भैया यार। अब हम साल भर मेहनत करते हैं। हाँ। और मंडी में लेके आते हैं। हाँ। और दाम मिल नहीं पाता है तो इतनी ये परेशानी है। और क्या है, दाम अच्छा मिलना चाहिए, ये कहना हमारा। तो जो आप लहसुन लेके आए हैं तो इसमें वेराइटी कौन कौन सी है? वेराइटी G2 है हमारे पास, तुलसी है, 2 वेरायटी लेके आए हैं। आप भी साथ में आए? हाँ हम भी साथ में। अच्छा अभी डाउन है भाव? हाँ डाउन है ना। हाँ कल से डाउन। आप रोक सकते थे ना? रोक हम यहाँ आए उसके बाद डाउन हो। अच्छा पहले पता नहीं था? पहले लगातार इन दिनों में रोज 2 दिन में लगातार डाउन हो रहा है। कल हो रहा है जैसे कि किसी को क्या है कि घर की समस्या है, किसी को लेन देन करनी है तो कहाँ से करेगा? हाँ, सही बात। माल बेच के ही करेगा ना। किसी का ब्याह शादी आ गए, वही तो किसी का ब्याह शादी आ गए, अब कैसे क्या करना है, सब तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना सभी को। तो माल के ऊपर ही तो सारा खेली होता है ना। अच्छा इसके अलावा सोसाइटी वगैरह जमा करनी है किसी को? हाँ ये मार्च में पैसे भी जमा करवाना हमको, तो वो जरूरी है, बेचना तो मजबूरी है हमारी। तो चाहे वो 5,000 भाव होगा तो बेचना पड़ेगा हमको। मजदूरों को देना पड़ेंगे अभी। अच्छा आप वहाँ से इतने दूर से आते हैं, लगभग 200-250 किलोमीटर से? हाँ। तो आपका वो भाड़ा वगैरह सब पूरा खा जाता है? भाड़ा भी बहुत ज़्यादा लगता है, 7-8 हज़ार रुपये भाड़ा लगता है हमारा मजदूरी। 7-8 हज़ार मंडी में आने का कारण खास? कारण क्या, भीड़ बहुत है दूसरी मंडियों में ज़्यादा, यहाँ थोड़ी भीड़ कम है। अच्छा भीड़ कम है। हाँ ऐसा भी तो कहा जाता है कि नीमच मंडी में अच्छा दाम मिलता है। दाम तो करीब करीब अब नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? अच्छा दाम मिलता था 2-4 दिन पहले, अब नहीं मिल रहा है। अच्छा बोलो, किसानों की संख्या, माल के आवक अधिक होने के कारण भाव गिर गया है, इसलिए बोले? अरे वो हर साल जो रहती है वो आवक है ही नहीं भाऊ जी, वो है ही नहीं आवक। अब हर साल रहती है, अभी जो लाए क्या उम्मीद है, क्या भाव जाएगी आपके लहसुन? ये हमारी तो क्या 7-8 चल जाएगी, कभी क्या होगा 7-8 चली जाएगी। हाँ अच्छा। और भी किसान है? कहाँ से आए आप? रतलाम से। रतलाम से आए? रतलाम। कितने बजे आ गए थे? कल परसों का ही गए था। परसों के दिन आए थे? हाँ। तो नंबर आया जाया, नीलामी हो गई आपकी? नहीं हुई अभी, अभी होनी बाकी है। होनी बाकी है। क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद। हाँ। तो गोविंद जी कितनी लहसुन लेके आए आप? 30 कट्टा। 30 कट्टा। हाँ। तो कौन सी, ऊटी है कि देसी है? देसी। बड़ी छोटी मिक्स क्या है? मिक्स है। तो अच्छा दाम मिल सकता है क्या? उम्मीद तो कम लग रही है अभी, तो कम लग रही है। क्या कहना भाऊ जी आपका? लहसुन लाया और क्या कहें, अटती आया, बोर खेड़ा थी। बोर खेड़ा कहाँ आता है? ये मोरवन के पास में। तो ये मिक्स है? हाँ तो देसी। तो वहाँ जावत में भी मंडी वहाँ नहीं बेचा?
वहाँ भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है। वहाँ यहाँ तो लाए अभी दार्जिला का ठेठिया आ रहा है। अच्छा, हमारे तो पास में पड़ती है देवास, धार, कांसे, इंदौर, यहाँ माल आ रहे हैं। उज्जैन, इनको बंद करो नहीं वहाँ से, हम तो पास में ही हैं। अरे नहीं, आपने किया था, आप जाओज में थी। किसान हो आप तो, आप नहीं, किसान तो हैं हम, सब मेरे भाई हैं। इनको यहाँ मंडी खिलाओ बढ़िया, इधर ही हो ये किसान, ये आके उलर हो रही है। अभी लहसुन लेके आए? हाँ, लहसुन लेके आए, ऊटी लहसुन लेके आए भाई, देवा से यहाँ उलर हो रही है हमारे यहाँ। उधर भी मंडी है तो वहाँ पे कुल मिला के जो किसान है उनका कहना है कि जो बाहर के किसान आ रहे हैं और जो उनकी वजह से भी यहाँ के पर जो दाम है वो प्रभावित हो रहे हैं और इसकी वजह से दामों में गिरावट आ रही है। कुल मिलाकर जो किसान है वो चाहता है कि अच्छे दाम मिले। अनुमान है कि आज जो एक भाव है देसी का वो 2500-3000 रुपये जो छर्री होती है वहाँ से लेकर करीब 10000 रुपये के करीब ये जा रहा है, 10100 के करीब आसपास देसी का है। वहीं ऊटी की बात करें तो लगभग 12000 से लेकर नीचे की बात करें तो 3000-4000 तक जा रहा है। देखना होगा कि मंडी का जैसे समय बीतता है भावों में और परिवर्तन आ सकता है, हो सकता कोई अच्छी हो तो और ज़्यादा अच्छे भाव में भी जा सकती है लहसुन। और करीब ये मान लीजिए कि 18 से 20000 रुपये बोरी की आवक है।